लौट के आया के साथ वो भी लौट आए हैं, काफी टाइम पहले वापस आने वाले थे। अर्जुन इज बैक, वेलकम टू टेलीवाइज शालीन। या थैंक यू, हाय हाय, थैंक यू। ऑलराइट, सो आपके फैंस वेट कर रहे थे कि आप एक शो के साथ कम बैक करेंगे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। फिर आप इश्कबाज में आए सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, एंड नाउ यू आर कमिंग बैक विद अ न्यू शो। हाउ डज इट फील? वेल, इट डेफिनेटली फील्स नाइस, एंड आई ऑलवेज से कि अर्जुन इज बैक, बट दिस टाइम इज राजवीर, एंड वेल इट्स फाइनली अ कमबैक शो। और हाँ, मैं करने वाला था, कुछ हुआ नहीं। आप ही आए थे ना उसका इंटरव्यू लेने? चलो, इस बार आप सही टाइम पे आए, इस बार तो शूटिंग स्टार्ट होगी, अब तो नहीं होगा। अब फिर आप हमें राजवीर के बारे में बता दीजिए। आप कह रहे कि वो अर्जुन से अलग है, तो किस तरह से अलग है वो अर्जुन से? यार, मैं ना इंटरव्यू देते देते मैंने एक चीज़ सीखी है, मैं ना देखी अपने बारे में जानी है, मैं ना इतना इतनी अलग अलग चीज़ें बताता हूँ ना, अल्टीमेटली मेरे को कैरेक्टर बनाने को ज़्यादा पता चल गया। बट आई थिंक फॉर राजवीर आई विल से दैट द डिसिमिलैरिटी एंड सिमिलैरिटी बिटवीन अर्जुन एंड राजवीर इज दैट अर्जुन हैड लॉस्ट हिज वाइफ, लॉस्ट हिज लव, एंड दैट वाज हिज पार टू लिव, बिकॉज टू फाइंड द पर्सन हु इज टेकन हर अवे, सो दैट वाज अ पेन, देयर वाज एन एंगस्ट। Rajveer on the lines has someone he loves right in front of his eyes, but he still is there not to find who's taken her away, but to be with her, to support her, for because his happiness is to see her happy, his life is to see her alive. So it's a very different character from it. It's a very demanding as well, but I think it's a beautiful character. Smiles, fun loving, wants to get happiness in her life, wants to see her happy, is the ray of hope in her life, is someone she trusts blindly. And yeah, so it's enormous, it's phenomenal. Everyone knows that आप और सुरभि बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अपने फ्रेंड के साथ काम करना कैसा लगता है? देखिए, सुरभि और मैं एक साथ आर फायर एंड वाटर, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस बोलते हैं, फायर एंड वाटर बोलते हैं, जो भी बोल दो यार, मतलब हम चेरी ऑन द टॉप ऑफ केक वैसा वाला हिसाब है हमारा, आइसिंग ऑन द केक कुछ भी, क्योंकि हम दोनों बहुत पागल हैं। एक साथ होते तो महा एक अलग सा ही वो हो जाता है, अमलगमेशन ऑफ टू मैड पीपल टुगेदर। तो आई थिंक प्लस इश्कबाज के बाद तो बहुत सारे लोग थे जो हमें एक साथ देखना चाहते थे, और उनकी भी दुआ कबूल हुई, मेरी भी, मेरी कमबैक की दुआ थी। सुरभि के साथ बैठे तो हमने बोला साथ में ही आते हैं, वो भी हो गया कबूल, उसके बाद उन्होंने बोला ये, तो मैंने चलो। ओके, तो अब तक जो आपने शूट करा है, जो लोकेशन है, इट्स बीन वेरी स्पूकी एंड बहुत डरावनी वगैरह है, तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में अब तक डरावना? मैं जब अपनी पुरानी फोटोज देखता हूँ ना, आज से 6 साल पहले, उसको अगर मैं पोस्टर बना के दरवाजे के बाहर लगा दूँ, इस होटल के जो लोग कहते हैं स्पूकी है, यहाँ पर भी भूत नहीं आएंगे, तो मेरे से, मैं अपने आप को रोज सुबह देख चुका हूँ 1 साल 1.5 साल में, डर वरने लगता हूँ इस चीज़ों से। ओके, तो अभी आपने कहा कि फैंस की दुआ कबूल हो गई, आप और सुरभि साथ आ गए हैं, तो उन्हीं फैंस से आप क्या कहेंगे जाते जाते? वेल, जस्ट यू पीपल रियली वांटेड टू सी अस टुगेदर, एंड यू रियली पीपल, एंड आल्सो यू पीपल वांटेड टू सी मी इन अ रोमांटिक रोल, टू सी मी लव समवन, सो दिस इज इट, ऑल थिंग्स कमिंग टुगेदर, सो जस्ट वॉच द शो, लव इट, प्रे दैट वी गेट इट, विल बी अ ह्यूज सक्सेस, एंड प्रे दैट इट वर्क्स आउट वेल, एंड जस्ट कीप प्रेइंग फॉर मी, लविंग मी द सेम वे दैट यू गाइस हैव ऑलवेज डन।